हेलो, वेलकम बैक टू एपेक्स आर्किटेक्ट्स। मैं आपके लिए न्यू रेजिडेंशियल फ्लोर प्लान लेकर आया हूँ। इस प्लॉट का जो हमारा फ्रंट रहेगा वो 32 फीट 4 इंच का रहेगा, जो उसकी ड्रेथ रहेगी वो हमारी 20 फीट 6 इंच की रहेगी। अब गाइज मैं आपको थोड़ी इसकी रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, इसमें रिक्वायरमेंट हमारी क्या क्या रहेगी। एक इसमें हमारी लॉबी रहेगी और लॉबी से टच हमारा किचन रहेगी और इस लॉबी से ही टच हमारा ये एक बाथ का रहेगा और ये हमारा ओपन जार रहेगा और ओपन जार से टच हमारा WC रहेगा। और एक हमारा जो फर्स्ट बेडरूम हमारा इसमें ये रहेगा और सेकेंड बेडरूम हमारे इसमें ये रहेगा और इस वाले बेडरूम से टच हमारी टॉयलेट रहेगी। ठीक है गाइस, अब गाइस मैं आपको थोड़ी इसकी डिटेल बता देता हूँ, इसकी डिटेल हमारी क्या क्या रहेगी। जो हमारी लॉबी है, लॉबी की जो हमारी लंबाई रहेगी वो हमारी 16 फीट 6 इंच की रहेगी लंबाई, ठीक है गाइस। और जो इसकी चौड़ाई रहेगी वो हमारी 9 फीट 6 इंच की रहेगी, ठीक है गाइस। और जो हमारा बाथ है, बाथ की लंबाई हमारी 5 फीट 6 इंच की रहेगी और चौड़ाई इसकी 4 फीट की रहेगी, ठीक है गाइस। और जो हमारा किचन है, इसकी लंबाई 8 फीट की रहेगी और चौड़ाई इसकी 5 फीट 3 इंच की रहेगी। और फर्स्ट बेडरूम की लंबाई हमारी 9 फीट 6 इंच की रहेगी और चौड़ाई इसकी 9 फीट 6 इंच की इसकी चौड़ाई रहेगी, ठीक है। और जो इसकी एलिमेंट है वो हमारी 2 फीट की रहेगी। सेकंड बेडरूम की लंबाई हमारी 9 फीट 7 इंच की रहेगी और चौड़ाई इसकी 11 फीट 6 इंच की रहेगी। और जो हमारा स्टोर रूम है, इसकी लंबाई हमारी 4 फीट 3 इंच की और चौड़ाई इसकी 5 फीट 3 इंच की ही रहेगी, ठीक है गाइज। अब गाइज मैं आपको इसके वेंटिलेशन और विंडो के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसके वेंटिलेशन हमारे कहाँ कहाँ पर रहेंगे और डोर कहाँ कहाँ पर रहेगा, ठीक है गाइज। जो हमारा ये डोर रहेगा, एक डोर हमारा इसका यहाँ से रहेगा, लॉबी से रहेगा, ठीक है। और जो आपका रहेगा हमारा गाइज इसका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। जो हमारी जो 2 फीट 6 इंच की इसकी स्टेयर रहेगी, ठीक है। और जो हमारा किचन है, इसका डोर गाइज हमारा यहाँ पर रहेगा। और जो उसका वेंटिलेशन रहेगा, जो उसकी विंडो रहेगी वो हमारी यहाँ पर रहेगी और इसमें यू शेप की हमारी स्लैब रहेगी, ठीक है। और जो हमारा ये बाथरूम बाथ है, इसका जो डोर रहेगा वो डोर हमारा इसका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और WC का जो डोर रहेगा वो डोर हमारा यहाँ पर रहेगा, ठीक है गाइज। और जो हमारा फर्स्ट बेडरूम है, इसका जो डोर रहेगा वो हमारा यहाँ पर रहेगा और जो उसकी विंडो रहेगी वो हमारी इसका यहाँ पर रहेगा। जो हमारे ओपन जो जाल किया हुआ है, इसका जो वेंटिलेशन रहेगा इस बेडरूम से भी रहेगा और इस लॉबी से भी यहाँ पर रहेगा। और जो लॉबी है, लॉबी जो हमारे इसमें रेलिंग रहेगी वो हमारी इसमें यहाँ पर रहेगी, ठीक है गाइज। और जो हमारे इसमें बेडरूम है, बेडरूम का जो हमारे इसमें जो बेड रहेगा वो बेड हमारा यहाँ पर रहेगा और इसमें जो एलसीट रहेगी वो हमारी यहाँ पर रहेगी और 2 फीट की सीढ़ी अलमीरा यहाँ पर रहेगी। और जो सेकंड बेडरूम में इसका जो डोर रहेगा वो डोर रहेगी इसका हमारा यहाँ पर रहेगा और जो इसका हमारा बेड रहेगा वो बेड हमारा इसका गाइस यहाँ पर रहेगा और जो उसकी विंडो रहेगी वो विंडो यहाँ पर रहेगी। और जो हमारा इसका स्टोर है, इसका जो डोर रहेगा वो यहाँ पर रहेगा और जो इसका वेंटिलेशन रहेगा वो हमारा यहाँ पर रहेगा, ठीक है गाइस। अगर गाइस आपका प्लॉट साइज सेम यही है तो आप ये रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। अगर गाइस आपका प्लॉट साइज डिफरेंस है और आपकी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंस है गाइस, तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इसी में ही है। जो भी गाइस आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम आपको व्हाट्सएप पर डिटेल आपको उसकी सेंड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर गाइस एपेक्स आर्किटेक्ट्स।